में एक बार फिर ताइवान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। विश्व की दो सबसे बड़ी वीटो पावर कंट्री अमेरिका और चाइना ताइवान के मुद्दे पर आमने सामने है। वहीं भारत पूरी स्थिति पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। दरअसल मंगलवार को अमेरिकी सदन सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ड्रैगन की धमकी के बावजूद ताइवान दौरे पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ताइवान की धरती से चीन को साफ संदेश दे दिया कि ताइवान में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ताइवान से किए वादों पर पीछे नहीं हटेगा। नैन्सी पेलोसी के इस बयान ने चीन के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल बन चुका है। चीन पेलोसी के इस दौरे पर आग बबूला नजर आ रहा है और उसने अपनी कड़ी आपत्ति जताई। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा की पहली महिला अध्यक्ष, चीन की नीतियों की सबसे मुखर विरोधी, ताइवान में चीन की दखल की विरोधी, 82 साल की नैन्सी पेलोसी अनुभवी डेमोक्रेट। बता दें कि पिछले सप्ताह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को वन चाइना प्रिंसिपल मानने की सलाह दी थी। साथ ही धमकी भी दी थी कि जो लोग आग से खेलते हैं वो खुद जल जाते हैं। जिस पर बाइडेन ने भी चीन को दो टूक शब्दों में ताइवान पर अपनी नीति नहीं बदलने की बात कही थी। अब नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद दोनों देशों के बीच गतिरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पेलोसी के दौरे को अमेरिकी दखल मान रहा है, वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन मान रहा है, ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन मान रहा है, ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चीन। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि अगर अमेरिका गलत रास्ते पर खड़ा रहता है तो फिर हम अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाएंगे। यह पहला मौका नहीं है जब नैन्सी पेलोसी ने चीन को चिढ़ाया हो। चीन से उनका पंगा करीब 3 दशक पुराना है। वे लंबे समय से चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करती आए हैं। बता दें कि नैन्सी पेलोसी साल 2008 और 2017 में भारत दौरे पर आई थी। इस दौरान उन्होंने तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा से मुलाकात की थी, जिसके बाद भी चीन ने नैन्सी पेलोसी के इस दौरे का काफी विरोध भी किया था। वहीं भारत और चीन के संबंधों की बात करें तो भारत और चीन के बीच पिछले कुछ सालों में काफी तनाव देखने को मिला है। पहले सिक्किम सीमा पर डोकलाम विवाद और फिर ड्रैगन की गलवान घाटी में घुसपैठ, इन दोनों विवादों ने भारत और चीन के रिश्तों में खटास लाई। बता दें कि भारत ने अभी तक ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक रिश्ते नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। चीन की इन धमकियों के बाद जंग का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि चीन सिर्फ गीदड़ भभकियां दे रहा है। चीन की धमकियों के बावजूद पेलोसी के दौरे से ताइवान भी अलर्ट पर है। ताइवान ने अपने यहाँ सेना को भी अलर्ट पर रख दिया है। ताइवान पर अपना कब्जा जमाने वाले चीन ने फिर एक बार दुनिया को चेताया है कि वे ताइवान पर अपना रुख नहीं बदलने वाला है। अब देखना ये होगा कि चीन के इस गुस्से का असर क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।